साई करना मिशन करके एक संस्था चलाते हैं। शुरुआत में हमने लाइफ टाइम मेडिकल स्पिरिचुअल एंड रिसर्च शुरू किया था 1993 में, और तब से लेके आज तक हम लोग मेडिकल एंड स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर हमारा मेन रिसर्च होता है। आज का टॉपिक थोड़ा हमने एक इंटीग्रेटेड टॉपिक लिया है, क्वांटम ऑरा एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पहले हम इस टॉपिक का जो मेन ओरिजिन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वांटम का मतलब क्या, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम? यस, क्वांटम का मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हम लोग तीन चीज से बने हैं, एक मैटर है, एक एनर्जी है और एक चेतना है, एम आई राइट? तीन चीजों से बने हैं। मेडिकल साइंस टोटली फिजिकल बॉडी के ऊपर बेस्ड है, मैटर के ऊपर बेस्ड है, और स्पिरिचुअल साइंस ज़्यादा करके एनर्जी साइंस के ऊपर बेस्ड है ना? लेकिन कुछ लोग आज जो स्पिरिचुअल हाई लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस बेस्ड पर प्रैक्टिस करते हैं, और उसे हम क्वांटम साइंस कहते हैं। जो बिल्कुल दिखता नहीं है उसको आप प्रूफ भी नहीं कर सकते। एनर्जी को एक बार प्रूफ भी कर पाओगे और स्कैन से, ESC कॉम्प्लेक्स से, RFID मशीन से, GDB मशीन से, ऑरावी मशीन से, लेकिन क्वांटम साइंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो ईथर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है। आप मुझे बताओ, स्पेस को कैसे कोई प्रूव कर सकता है? कर सकता है? ऊर्जा को कोई कर सकता है? एनर्जी को कोई कर सकता है? आपने पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये हम प्रूव कर सकते हैं, राइट और नॉट? तो ये हुआ क्वांटम, मतलब सबसे इनविजिबल चीज। उसके बाद आता है ऑरा। ऑरा का मतलब क्या? एनर्जी साइंस, मतलब जो इनविजिबल चीज है उसे अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग में कहें तो वो क्या है? सोल, राइट? सोल इज इनविजिबल, और सोल का अपना एक माइंडसेट होता है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे मोबाइल का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, सैमसंग का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, नोकिया का अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो इसी तरह हर इंसान अपनी कुछ चेतना के साथ उसका जन्म हुआ है। आपकी कुछ अलग चेतना है, मेरी कुछ अलग चेतना है, इनकी कुछ अलग चेतना है, तो वो इनविजिबल है। कोई देख सकता है? सोल को नहीं देख सकता, तो उसकी चेतना को कैसे कोई देख पाएगा, उसके सॉफ्टवेयर को कैसे देख पाएगा? लेकिन उसका रिफ्लेक्शन ऑरा में होता है। तो जब हम आपकी ऑरा रीडिंग करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि आपकी सोल कौन सी लेवल की है। इन्फेंट सोल लेवल की है, बेबी सोल लेवल की है, मैच्योर सोल लेवल है, यंग सोल लेवल है, ओल्ड सोल लेवल है, ये लेवल पता चलता है। क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, कुछ तो अंदर का बाहर निकलेगा कि नहीं, इसे ऑरा कहते हैं। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ऑरा का फोटो देख पा रहे हैं, समझना? तो ये रेडियोलॉजिकल सब्जेक्ट है, ये कलर से इंटरप्रिटेशन होता है। जितने लाइट कलर्स होते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव, और जितने डार्क कलर्स होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, समझ पा रहे कि नहीं? इसको और एक तरीके से समझते हैं कि हर इंसान अलग अलग सोल लेवल पे क्यों होता है, कोई बता सकता है? सबकी कॉन्शियसनेस अलग है, इसका मतलब है कि सबकी ऑरा भी तो अलग आएगी, समझना ना? सबका ऑरा भी अलग आएगा, और सबका ऑरा ये इंडिकेट करेगा कि इंडिविजुअल पर्सन का नेचर, कैरेक्टर, स्वभाव, बिहेवियर कैसा है, ये इंडिकेट करेगा ना, उसकी तासी कैसी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है। ऑरा पर जो सॉफ्टवेयर बनाया डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड मैटर ने, उनको 14 साल लगे सॉफ्टवेयर बनाने में, और उनका इंटेंशन मकसद एक ही था कि लोगों की तासी जाननी है, बगैर उसे पूछे कि भाई तुझे क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तुझे डर लगता है या नहीं, तेरे अंदर इनसिक्योरिटी, फियर, जेलसी वो है कि नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, ऑरा सब कुछ बता देता है, समझ पा रहे कि नहीं? तो अब समझ में आया क्वांटम ऑरा, तो जो चीज़ें नहीं दिखाई देती है वो ऑरा में रिफ्लेक्ट करती है। अब बड़ा क्वेश्चन है कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कैसे हम जोड़ सकते हैं, कोई बता सकते हैं? क्वांटम को ऑरा को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली, और अच्छे से अलग तरीके से और उसको समझ सकते हैं। इसका एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मैंने एक नया मोबाइल खरीदा और मैं जूने मोबाइल का डेटा नए मोबाइल में डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? पुराने मोबाइल में जो कुछ भी है वो मुझे नए मोबाइल में डालना है, तो मैं क्या करूँ? डेटा ट्रांसफर करूँगा, मतलब अगर मेरा पुराना मोबाइल किसी ईमेल आईडी के साथ
लॉगिन है और मैं नए मोबाइल को उसी ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करता हूँ तो सब कुछ आ जाएगा, है ना? राइट। इसे साइंस में या स्पिरिचुअल साइंस में इनर बीइंग कहते हैं। हर इंसान का एक इनर बीइंग होता है, तो इंसान एक इनर बीइंग के साथ एक संग्रहालय जिसको बोलते हैं, उसकी अपनी एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर बहुत सारा डेटाबेस होता है एक इंसान के अंदर। तो अगर हम किसी की पास में रिग्रेशन करते हैं तो ये पता चलता है कि ये लाइफ जो प्रेजेंट है वो कौन सी लाइफ से प्रेरित है, उसमें कौन सी पॉजिटिव चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया है और कौन सी नेगेटिव चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया है, ये समझ में आ सकता है। कोई वॉरियर लाइफ से, कोई सोल्जर की लाइफ से, कोई एनिमल लाइफ से, या कोई मिनरल लाइफ से, कौन सी लाइफ को आप रिजेंबल करते हैं। जैसे मैंने अपनी 113 लाइफ देखी है पास्ट लाइफ, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी जो संतों की लाइफ थी, जो सेंट वाली लाइफ थी, वो ये लाइफ में एक्टिवेट हो गई है। मैंने कोई लाइफ में छाया शास्त्र के ऊपर बहुत काम किया जिसे ऑरा फोटोग्राफी कहते हैं, तो ये लाइफ में मैं बाई डिफॉल्ट लोगों को ऑरा चक्र देख पा रहा हूँ, वो थर्मल विजन मेरे अंदर, मतलब सब चीज़ तो मैंने एक्टिवेट नहीं किया ना। मैंने एक ही इनर बीइंग के साथ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें से सिर्फ एक क्वालिटी को मैंने इस लाइफ में खींच लिया। आप समझ में आ रहे? तो अगर सपोज हम आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो दो चीज़ समझ में आएगी, आपके अंदर कमियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, और आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। समझ में आएगी कि नहीं? तो जो भी वीकनेसेस हैं वो क्यों हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए है। अगर पिछले जन्म में ही उस चीज़ को सफाई कर दिया होता, आपकी डायबिटीज, आपका कैंसर की बीमारी, या आपका कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा या इमोशनल ट्रॉमा को पास्ट लाइफ में आपने एक्सेप्ट फॉरगिव किया होता, तो ये लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता, बताइए होता नहीं होता? इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये नीचे के कुछ इमेजेस है ऑरा के, वो क्या इंडिकेट करते हैं। ये एबनॉर्मल बच्चों के ऑरा है, ये जितने भी 8 बच्चे हैं ना, सारे मेंटली रिटार्डेड फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, जिनका हमने रिसर्च किया था कुछ साल पहले, और रिसर्च करने के बाद ये चीज़ पता चली कि ये बच्चे, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये रिटार्डेड है। समझ पा रहे थे? ये विकलांग बच्चे जो भी हैं, मतलब इन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा कि हमें नेक्स्ट लाइफ में कुछ करना ही नहीं, और ये हमने रिसर्च करके भी देखा, हमने इनके पेरेंट्स की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, और तब पता चला कि पेरेंट्स की भी चॉइस थी कि मुझे बच्चे की सेवा करनी है, मैं पिछले जन्म में नहीं कर पाई, अगले जन्म में तो ये अगर बच्चा मेरे पास वापस आएगा तो पूरी लाइफ उसकी सेवा करनी है। अब दोनों की टैली हो गई, सोल के पास पावर होता है क्योंकि चॉइस होता है ना। जैसे मैं अगर नया मोबाइल खरीदने जाता हूँ, मेरी चॉइस होती है कि मुझे इतनी मेमोरी वाली चाहिए कि ज़्यादा मेमोरी वाली चाहिए, इतने रैम वाली चाहिए, सेम मोबाइल चाहिए कि कोई आगे वाला वर्जन चाहिए, है ना। मैं कहता हूँ भाई मुझे ना एकदम सस्ता मोबाइल चाहिए, इनका भी काउंट नहीं, मुझे अभी पिछली बार मैंने बहुत वो आईफोन वगैरह यूज़ किए, मुझे अभी ये नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स ने डिसाइड किया होगा भाई पिछले जन्म में मैं बच्चे की सेवा नहीं कर पाई, या बच्चा मेरे पास रह नहीं पाया, इस नेक्स्ट लाइफ में अगर आएगा तो मैं उसकी सेवा करूँगी या मैं उसके साथ रहूँगी पूरी लाइफ में, इसको छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को आश्रम में छोड़ देते हैं और पूरी लाइफ गिल्ट में जाते हैं, क्यों मैंने छोड़ा, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया, किसके पास गया, काश भगवान ये बच्चा मुझे कोई लाइफ में दे दे तो मैं उसकी सेवा करूँगी, सोचा होगा कि नहीं। और सही में ऐसा ही निकला जब हमने उनके पेरेंट्स की पास लाइफ डिग्रेशन की, समझ में आ रहे कि नहीं। तो इसका मतलब हमारी चेतना जो सोचती है वही चीज तथास्तु होती है, वही मैनिफेस्ट होता है, इज इट नॉट फॉल्स, है ना। उसको थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि तो फिर ये लाइफ कैसा है, मतलब ये लाइफ है क्या, अगर हम समझने की कोशिश करें। हमने सोल के बारे में समझ लिया, हमने चेतना के बारे में समझ लिया, हमने क्वांटम के बारे में समझ लिया, ऑरा के बारे में समझ लिया, अब हम लाइफ के बारे में समझेंगे। लाइफ है क्या? जैसे मैंने कहा कि हमारी लाइफ एक इनर बीइंग लाइब्रेरी है, तो जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं, होते ही नहीं, देखिए सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, एक्का होता है, राइट। तो जब हम 3 पत्ती खेलते हैं तो जीत किसकी होती है, जिसके पास 3 एक्का है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 एक्का है क्या हमारी लाइफ। 3 एक्के का मतलब है, पहला एक्का हमारा गॉड भगवान, दूसरा एक्का हमारे गुरु, और तीसरा एक्का हमारा हायर सेल्फ,
जो प्योर पोटेंशियल है, ये तीन इक्के बहुत जरूरी है। और जब तक ये तीन इक्के कोई भी लाइफ में नहीं मिलते, इज इट ट्रू ऑर फॉल्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब तब तक हम गेम खेलते ही रहेंगे, लाइफ लेते ही रहेंगे, लेते ही रहेंगे, लेते ही रहेंगे, नेवर एंडिंग, राइट। अब देखो, हर सोल के पास एक पोटेंशियल पावर होता है, उसके पास कुछ तो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसी होती है नहीं? फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर या अमिताभ बच्चन, है ना, इन लोगों के पास कुछ तो था जो इन्होंने अपने कोई टाइम पे बाहर निकाला और उसके बाद ये टोटली वर्ल्ड में फेमस हो गए कहीं। तो हमें भी क्या करना होगा, हमारे ऑरा में जो भी अनवांटेड एनर्जीज है, जब तक उसको निकालेंगे नहीं तो वो प्योर पोटेंशियल बाहर नहीं आएगा। आज आप दीपक चोपड़ा को देखो, सदगुरु को देखो, श्री रविशंकर को देखो, ब्रह्म कुमारी की दादी को देखो, या दादा भगवान के दीपक भाई को देखो, श्रीमद राजचंद्र जी को देखो, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अनवांटेड चीजों को बाहर निकाल दिया। तो उनके पास बचा क्या? सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। मतलब इनके तीन इक्के एक हो गए, ये गुरु के साथ एक हो गए, भगवान के साथ एक हो गए और इनका हायर सेल्फ के साथ एक हो गए। तो इनमें ना लालच रही, ना राग द्वेष क्रोध मोह माया डर भय, कुछ भी नहीं रहा इनके पास। तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अवेयरनेस में आ गए, कहीं पे भी जाओ लोगों की बोलबाला होती है, राइट और नॉट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है अभी कि मैं कौन हूं, क्योंकि आप लोग समझ में आ गए कि देखिए तीन एक-एक को एक करना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हूं मैं कौन हूं। और जब तक आपको यही नहीं पता चले कि आप कौन हो या आपको भगवान ने किस मकसद से नीचे भेजा है, तब तक आप किसी उस गुरु की तलाश ही नहीं कर सकते हो जो आपके अंदर की उस क्वालिटी को बाहर निकाले। समझ में आ रहा है? मतलब सचिन तेंदुलकर को जब पता चला, यस, पर्पस के लिए भेजा, राइट। हाँ, तो ब्लेस तो भगवान ने किया, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, तो क्या है कि ये जो हमने प्योर कॉन्शियसनेस में किसके साथ बातचीत की 72 आवर्स हमने लाइफ बिटवीन लाइफ जो रिसर्च की कि हम भगवान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तभी हमारी कोई पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस नहीं होती, तभी हम भगवान के साथ बात करते हैं। जैसे बच्चा स्कूल की वैकेशन में बात करता है पेरेंट्स को कि मुझे ये स्कूल चाहिए या दूसरी स्कूल चाहिए, समझ में कि नहीं? तो हमें वापस वो प्योर कॉन्शियसनेस में जाके कम्युनिकेट करना होगा जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया कि ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, अच्छा सिंगर बनूंगा, या अच्छा मैं स्पिरिचुअल गुरु बनूंगा। तो किसके साथ टाई अप किया? भगवान से, ना, वो वननेस ऑफ एनर्जी के साथ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ। मैं किसी भगवान का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो लाइट के साथ हमारे एक कम्युनिकेशन होता है ना। तो वो जो रिव्यू होता है हमारा लाइफ बिटवीन लाइफ बर्थ करते हुए, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में अभी मुझे क्या करना है। अब कोई बच्चा बोलता है मुझे कुछ भी नहीं करना, कोई सोल कहता है मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो वो तो रिटार्डेड बच्चा बन के आएगा, समझ में नहीं? कोई कहता है कि मुझे तो संत बनना है, तो वो पहले से ही ब्रह्मचार्य का सेंट्रिक पर्सन होगा, वो पहले से ही वो डिवाइन सोल होगा। सत्य साई बाबा को या श्री रविशंकर को 6-7 साल की उम्र से पूरी भगवद गीता आती है, कुछ लोगों को कुरान आती है, कुछ लोगों को बाइबल आती है, मतलब वो पहले से ही सेंट पर्सन रहेंगे। कुछ छोटे छोटे बच्चे पहले से गाना गाते हैं, डांस करते हैं, आपने देखा टीवी पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? उन लोगों को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग आज तक नहीं जान पाए कि मैं हूँ कौन, मेरी प्योर पोटेंशियल है क्या। तो हम कम्युनिकेट किससे करेंगे? मेडिटेशन में, हायर सेल्फ से करेंगे, क्योंकि हायर सेल्फ जो हमारा है वो परमात्मा से 24/7 कनेक्टेड है। इज इट ट्रू? अगर मैं ध्यान में बैठता हूँ, अगर बुद्धा ने ध्यान में बैठे थे और जब 7 साल तक वो ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे थे और नहीं गए, और जब उन्होंने ध्यान करना छोड़ दिया तो ही गॉट कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ, और अंदर से उनको आवाज़ आने लगी, और जब अंदर से आवाज़ आने लगी तो उन्होंने पास की 649 लाइट्स देखी, और फिर उन्हें समझ में आया और उन्होंने ये पूछा कि अब मेरा मकसद क्या है इस जीवन का। आंसर क्या आया? निर्वाण।
उन्होंने बोला निर्वाण कैसे पाया जाएगा, तो उनको आंसर आया विपश्यना, अनापना सति। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पर्पस अलग है तो उस पर्पस को निकालने के लिए सॉल्यूशन भी अलग होगा। महावीर को अंदर से आवाज आई थी अहिंसा, तो पूरा जैन का एक शास्त्र बन गया। गुरु नानक को अंदर से एक आवाज आई एम ओंकार सतना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हरेक का मकसद अलग होता है, मतलब एग्जिट पॉइंट अलग होता है। एग्जिट पॉइंट के लिए हमें कुछ तो पुरुषार्थ करना होगा कि नहीं, करना होगा कि नहीं, मुझे बताओ, राइट? तो ये जब आप अपने आप से पूछोगे ध्यान में कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, तो धीरे 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 आपको वो मकसद पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आपको अपनी ऑरा क्लींजिंग करनी पड़ेगी। आपकी जो अनवांटेड एनर्जीज है जिसके साथ अभी आप अटैच्ड हो, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, उस चीज़ से आपको डिटैच होना पड़ेगा, तभी तो प्योर हो जाओगे ना। जब तक किसी से कनेक्ट रहोगे, अभी सपोज मैं इसको टच करता हूँ, इसका मतलब मुझे इसकी भी कोई सेंसेशन फीलिंग है, भले ही ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर मैं ये मोबाइल हाथ में पकड़ता हूँ तो इसके भी कोई रेडिएशन है, उसके भी कोई सेंसेशन है। लेकिन जैसे मैं ये मोबाइल से अलग हो जाता हूँ, अब मैं अपने प्योर सेंसेशन में आ गया। समझना है? तो ये जितने भी हमारे मॉडेलिटीज हैं, इनका मेन मकसद क्या है कि हमें वापस इसी में आना है। तो अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यही कहा ना कि लास्ट मोमेंट ऑफ द डेथ, मतलब जब हमने एक पूरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस लिया है, उस लाइफ के एक्सपीरियंस को हमने एक सेंटेंस में, एक वर्ड में फ्रेम किया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, बस अगली लाइफ मिलने दो, बस एक बदले की भावना से रिबर्थ लिया है कि नहीं? मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वर्ड। इसलिए आपने देखा कि जेल के कैदियों को भी पूछा जाता है तेरी आखिरी इच्छा क्या है, मतलब वो तो स्पिरिचुअल नहीं है। जेलर तो स्पिरिचुअल नहीं है या जेल में तो कोई स्पिरिचुअल नहीं है। मतलब एक रीति रिवाज भी कैसी बनी है, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया की जेल हो, लास्ट विश तो पूछी जाती है हर इंसान से, क्योंकि उसके अंदर क्या रहेगा किसको बता। समझ में आता है कि नहीं? हम भी देखो यहाँ पे आए हैं, तो आप जब घर से बाहर निकले तो आपने एक थॉट डाला होगा कि नहीं, बस वापस मुझे ना 4 बजे निकलूंगी तो 5 बजे आऊंगी, सोचा था कि नहीं? या वहाँ से छूटने के बाद मैं मार्केट में जाऊँगी, या छूटने के बाद किसी रिश्तेदार के घर पे जाऊँगी। समझ में आए कि नहीं? मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, अगर ये एक आपका एग्जिट, तो लाइफ का एग्जिट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यस, डिफरेंस है ना, आप जैसे आपका एग्जिट होता है वैसे तो आपका इनपुट होगा, आपको बॉडी ऐसी मिलेगी, फैमिली ऐसी मिलेगी, है ना? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस जिस फ्रीक्वेंसी में है, उस फ्रीक्वेंसी के फैमिली को ही अट्रैक्ट करोगे, उस पेरेंट्स को, उस मदर को ही ग्रुप को अट्रैक्ट करोगे, ऐसे तो अट्रैक्ट नहीं करोगे। समझ में कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, और पेरेंट्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे साथ। सिर्फ हम ऐसे नहीं सोच सकते मुझे अंबानी के घर पर जन्म लेना है या बिल क्लिंटन के घर पर जन्म लेना है, क्या ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, उनका भी तो चाहिए। तो ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है पेरेंट्स के बीच, राइट? तो ये जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा कहीं ना कहीं एक मकसद शुरू से ही होगा कि मुझे ये करना है। अगर लास्ट लाइफ में मैं अनपढ़ था और मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो मैं सोच के बढ़ूंगा कि नेक्स्ट लाइफ में तो मैं बड़ी डिग्री लूंगा, मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कोई बड़ी डिग्री लेनी है, तो डेफिनेटली मैं कुछ भी करके शुरू से लेके एंड तक पढ़ाई करूँगा, PhD ये वो सब कुछ करूँगा, बिकॉज ये थॉट लेके मरा था। समझ में आ रही है? तो हमारा वो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गॉड तथास्तु करते हैं, हम जो भी सोचेंगे उसको तथास्तु करेंगे। जैसे आपने एक बार वाईफाई को कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल पे, आप कोई भी यूट्यूब ओपन करो, कोई भी आप फेसबुक या व्हाट्सएप ओपन करो, कौन रोकता है आपको, मुझे बताओ, कोई रोकता है? कोई नहीं रोकेगा। तो इसी तरह से हमने जो भी थॉट्स लेके जन्म लिए हैं, वही थॉट्स से हमारा रिबर्थ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा पर्पस जब तक हमें मिलता नहीं, अब मुझे ये बताओ हम करेंगे क्या? क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मकसद सपोज जाने का और 5 साल लग जाए, और 10 साल लग जाए, या हो सकता है ये जन्म में पर्पस भी नहीं पता चले, नेक्स्ट लाइफ में पता चले, तब तक क्या करना मुझे ये बताओ। इतना इजी तो नहीं पर्पस जानना,
सर्च करें वो तो मैंने बताया, सर्च तो करें लेकिन तब तक और क्या करें, सर्च तो सब करेंगे क्योंकि UM आए, ये तो जानना तो हर एक को पड़ेगा कभी ना कभी। आज हम इंडिया में 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं तो हर इंसान सोच ही रहा है ना कि मैं हूँ कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा मकसद, सब सर्च कर रहे हैं। सरेंडर टू द यूनिवर्स, ये तो सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ क्या पता है, जो जब जिस मोमेंट में जो कर रहे हो ना उसको 100% निभाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आप हाउस वाइफ हो 100% वो रोल निभाओ, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस वक्त 100% आपको उस पर देना होगा। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ में 100% नहीं दिया तो इसका मतलब वो आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, वो आपका क्लियरेंस ही नहीं हुआ, और वो क्लियर नहीं हुआ तब तक आपको सोच पर्पज भी कैसे मिलेगा, मुझे बताओ, है ना। सचिन तेंदुलकर के जो भी कोच थे उनका पर्पज था सचिन तेंदुलकर को टॉप पे लाना, वो तो कभी आए नहीं, समझ में नहीं। कृष्णा के जो गुरु थे उनका सोच पर्पज था कृष्णा का एक्टिवेशन करना, डिवाइन पावर का एक्टिवेशन करना, उनके तो गुरु का पता दिया, महावीर के गुरु का पता नहीं, बुद्ध का गुरु का पता नहीं, गुरु नानक के गुरु का पता नहीं, हमें कितने लोगों के गुरु का पता ही नहीं है, हमें तो वो जो स्क्रीन पे दिखता है वो ही पता है, एम आई राइट अबाउट। तो कुछ पर्पस बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं, कुछ पर्पस स्क्रीन पे आना होता है, लेकिन तब तक हमें जो भी कुछ करते हैं हमें 100% करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने गोल चार्ट में, विश लिस्ट में एक कार डाली है, उनके मर्सिडीज चाहिए, और अभी मेरे पास टू व्हीलर है, या सपोज मारुति कार है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 100% उसमें देना पड़ेगा, है ना राइट। मैं अगर फ्रस्ट्रेशन में रहूँगा यार क्या यार भी बाइक चलानी पड़ रही, यार भी मारुति चलानी पड़ रही, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, क्योंकि चलेगा क्या नहीं। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो अगर आप दुख से करोगे या सैडनेस से करोगे, सौरव से करोगे, तो कैसे चलेगा। आपका मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आ रही, क्यों आ रही है होता है, क्योंकि आप 100% अपने उस चीज़ को नहीं दे रहे हो जो आपको देना चाहिए। अगर हम नेचर प्योर में जाते हैं और अगर हमें वहाँ पे डाइट पे रखा जाता है और हम रो रो के डाइट करते हैं तो चलेगा क्या नहीं। अगर मैंने आपको हीलिंग सिखाई और अगर आप दिल से हीलिंग नहीं कर रहे तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं। मतलब अगर वो फिजिकल वर्क है या मेंटल एजुकेशन है या स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, जिस मोमेंट में जो भी कुछ करते हो उस वक्त आपको 100% करना पड़ेगा। इसका मतलब उस अगर सोल पर्पस जब तक नहीं मिलता, लाइफ पर्पस 100% निभाना पड़ेगा। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। जब तक मुझे अपना सोल पर्पस पता नहीं था, मैं रामकृष्ण मिशन में जॉब कर रहा था, मैंने 3 साल जॉब किया मेडिकल साइंस में, लेकिन मैं 100% दे रहा था, मुझे 8 घंटे की ड्यूटी दी थी, 750 सैलरी थी, लेकिन मैं 24 आवर्स काम करता था, सैलरी मुझे पता है उतनी मिलने वाली थी, ज़्यादा तो मिलने वाली थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने जब वो 100% दिया तो मैं 3 साल में ही मेडिकल प्रैक्टिस से बाहर आ गया। तो अगर आपको बहुत जल्दी सोल पर्पस तक पहुँचना है, आपको लाइफ पर्पस में 100% देना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं मेरा तो जॉब है, मैं क्यों 100% दूँ, सैलरी तो इतनी मिलने वाली है, तो आप फिर खुद ही अटक जाओगे, है ना। काफ़ी फीमेल सोचते हैं दिन भर इनकी सेवा करो, दिन भर इनका खाना बनाओ, मिलता तो कुछ भी नहीं है, रिटर्न से कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप शुरू से लेकर एंड तक जो भी कुछ करते हो किसके लिए करते हो, फैमिली एकदम झूठ है, आप पूरी फैमिली के लिए नहीं करते, सिर्फ खुद के लिए करते हो, क्योंकि फैमिली पूछे तो बहुत खुश है, कौन खुश है। आज मैं आपको टॉक देता हूँ, मैंने 9,000 से ज़्यादा फ्री टॉक किए, किसके लिए दे रहा हूँ, मैं अपने लिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपकी ब्लेसिंग मिलती है वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आपको शाबाशी दे, कोई ग्रेटिट्यूड करे, कोई बख्शीश दे, कोई इनाम दे, या कोई आपको अच्छी सैलरी दे, या कोई आपका नाम ऊपर रोशन करे, कोई कुछ नहीं करेगा। यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लव योरसेल्फ, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप रोते रोते काम करेंगे तो शरीर किसका बिगड़ेगा, एनर्जी किसकी बिगड़ेगी, और किसका बिगड़ेगा, हाँ
खुद के बिगड़ेगी ना। जितनी फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर, कैंसर से बीमारी होती है वो कब होती है पता है? जब हम स्ट्रेन से काम करते हैं, स्ट्रगल से काम करते हैं, स्ट्रेस से काम करते हैं, तब जाके हमें होती है ना, राइट और नॉट? लेकिन अगर आप मुझे ये बताओ खुशी खुशी करोगे तो फायदा किसको होगा और ना किसका पॉजिटिव होगा, एनर्जी किसकी पॉजिटिव होगी? हाँ, खुद की होगी कि नहीं? तो मैं यही आप लोगों से कह रहा हूं कि अभी जो भी कुछ कर रहे हो बस 100% अपने आप को, सिंपल है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को 100% नहीं दिया तो मुझे ये बताओ लॉस में कौन है? आपको वापस वही सेट ऑफ द सोल्स मिलेंगे और आपको फिर से पूरी सेवा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं? वही आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या जो भी आपका बॉस है, आपका जॉब है, जो भी प्रोफेशन है, वापस आपको मिलेगा। आपका एग्जिट तब तक नहीं होगा जब तक आप 100% नहीं देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू ऑफ ऑल्स, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखते हैं। अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी की डेस्टिनेशन क्या है? क्योंकि हम समझ तो गए, पहला हमने क्या समझा शुरू में, क्वांटम को समझ में आया, फिर ऑरा समझ में आया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसीजर है जिसको हम सोल सर्जरी कहते हैं। जैसे बॉडी की सर्जरी में डर लगता है कि नहीं? डर लगता है कि नहीं? पैर में हमें कुछ भी छोटी सी चोट आती है और डॉक्टर कहते हैं इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी तो भी डर लगता है। किसी को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए डर लगता है, किसी को कैंसर की सर्जरी के लिए डर लगता है। तो आप सोचो सोल की सर्जरी के लिए कितना डर लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें यह लगेगा कि कभी वापस नहीं आए, कभी अटक गए तो, या जो मैं देखूंगा वो भ्रम तो नहीं है, इल्यूजन तो नहीं है, राइट? लेकिन मुझे ये बताओ कि सपोज आपके मोबाइल में अगर मैं अभी कहूँगा कि हेमा मालिनी का फोटो मुझे बताओ, और अगर नहीं होगा तो बता पाओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? नहीं। तो आप ये सोचो कि अगर आप पास लाइफ रिग्रेशन में जाते हो और आप जो भी कुछ देखते हो इसका मतलब वो दिमाग में था ना, तभी देखते हो ना, समझ में? नहीं, मैंने अपनी दो एनिमल लाइफ देखी, ईगल की लाइफ, आउल की लाइफ देखी। देखने के लिए तो मैं कोई भी एनिमल देख सकता था क्योंकि स्कूल में तो कितने हमको पढ़ाए थे, ये एनिमल है, वो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, काफ़ी चीज़ें बचपन से हमने पढ़े। लेकिन ये दो एनिमल क्यों देखे? मतलब कुछ तो इम्प्रिंट है मेरे अंदर। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कॉन्शियसनेस से होते हुए आ रहे हो और आपका इवोल्यूशन कहाँ तक हुआ है, आपका सोल का एजुकेशन कहाँ तक हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बाद ही आपको अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिलेगी। अल्टीमेट डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि सोल को अपनी सारी आइडेंटिटी जीरो करनी पड़ेगी, तब जाके वो एग्जिट हो पाएगा। बुद्धा ने अपनी आइडेंटिटी को जीरो किया, महावीर ने जीरो किया, तब जाके आज भी हमको याद करेंगे, समझ में आने के लिए। तो जब तक आप कुछ कमाने जा रहे हो अपना नाम या जो भी, इसका मतलब अभी भी आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, अभी भी आपको कुछ चाहिए, और जब तक चाहिए तब तक एग्जिट नहीं है, जब कुछ नहीं चाहिए तभी एग्जिट। नहीं, कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने 113 लाइफ में से 90 लाइफ तो मैंने मेडिटेशन में ही देखी, सिर्फ 10% लाइफ मुझे किसी ने दिखा दिया, मेरा रिग्रेशन किसी ने किया। मुझे अपनी पास्ट की पैटर्न देखनी थी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ कौन सी लाइफ में की और क्या मैं ये गलतियाँ आज भी इस लाइफ में कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे सुधारना होगा कि नहीं? जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है कि नहीं, तो बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बच्चा मैथ्स में बहुत वीक है, साइंस में वीक है, इसका ग्रामर वीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं, समझ में आ रहे हैं? तो पास लाइफ रिग्रेशन का मतलब हमें अपनी गलतियां, हमें कमियां और खामियां अपनी देखनी है, किसी और की नहीं देखनी है कि कौन मेरे साथ रिग्रेशन में क्या था, आज कौन है और कल कौन था, ये सब देखना सब बकवास है। लोग नॉर्मली ग्लैमरस भी देखने की कोशिश करते हैं, कभी तो मैं राजा रहेगा,
करोगे अगर रह नहीं मिले, समझ में नहीं इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे कह रही हूँ मतलब कि अगर आपका इंटेंशन पासवे इंटीग्रेशन का इवोल्यूशन है तो फिर पासवे इंटीग्रेशन करना अच्छा है, लेकिन अगर आपका मकसद ही गलत है पासवे इंटीग्रेशन का तो फिर करना बेकार है। सिंपल कॉन्सेप्ट राइट है। अब दिवाली पे आप साफ सफाई करोगे और जितना कचरा निकलेगा अनवांटेड स्टफ क्लटर आपके घर में निकलेगा, और अगर वापस आपने रख दिया तो सफाई की कोई फायदा नहीं, सफाई का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। फायदा कब है जब वो चीज़ को बाहर निकालोगे। आप देखोगे मैंने एक साल से ये यूज नहीं किया, दो साल से ये यूज नहीं किया और शायद आगे भी यूज नहीं करने वाली, तो वो क्लटर आपने निकाल दिया तो स्पेस स्पेस क्रिएट करोगे कि नहीं, समझ में नहीं। तो ये सारा जो अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी का है, चाहे आप राजयोग से एंटर हो जाओ या सुदर्शन क्रिया से या इनर इंजीनियरिंग से एंटर हो जाओ या डायनेमिक से एंटर हो जाओ, जो भी आप करते हो, चाहे योगा मेडिटेशन जो भी आप करते हो, अल्टीमेटली पूरा साफ करना है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, माइंड का कैथारसिस करना है और सोल का पास्ट लाइफ मेडिटेशन करना है। ये तीनों लेवल पे हमें सफाई करनी पड़ेगी, समझना है। अगर नहीं करोगे तो अटके का मामले बता, हम खुद ही अटकेंगे क्योंकि हम आए अपने लिए और हम जाएंगे भी अपने लिए। भले हमने 100% लोगों को मिले लेकिन हम एक्चुअली अपने ही क्लियरेंस के लिए आए और किसी के क्लियरेंस के लिए नहीं आए, ये बात तो 100% राइट ना। समझ में गई। जो मजदूर बिल्डिंग के लिए ईंट भी सीमेंट भी अगर कहीं इकट्ठा करता है, काम करता है ना, वो भी खुद के लिए कमा रहा है कि नहीं, तो उसको पता है कि एंड ऑफ द डे उसको 300 रुपये मिलने वाले। तो अगर वो छोटा काम भी खुद के लिए है तो ये सोल ऑपरेशन या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस है किसके लिए। हम हर 2-3 महीने में अपनी ऑरा फोटोग्राफी करवा दें, हमारी टीम मेंबर्स भी करवा दें, और कहीं हमें लगता है कि ये ऑरा में गड़बड़ है तो हम उन्हें कहते हैं थोड़े हिमालय जाके आओ, थोड़े विपश्यना करके आओ, है ना, थोड़े वैष्णो देवी जाके आओ या तिरुपति जाके आओ या पालीताना जाके आओ, सफाई करके आओ खुद की, क्योंकि वापस आपको आगे बढ़ना है, आपको अटकना नहीं है कहीं, समझ में गए। तो अब देखो दो तरीके से ना भगवान की मूर्तियाँ बनती है, एक तो आकार देके बनती है और एक तो अनवांटेड स्टफ निकाला जाता है तब उसकी मूर्ति बनती है, दो ही तरीके हैं, समझ में आ रहे हैं। अब मैंने अपने ऑरा में से जो भी अनवांटेड चीजें निकाली तो प्योर ऑरा ही रहेगा मेरे अंदर, प्योर पोटेंशियल वाला रहेगा, बाकी सब गंदगी तो मैंने निकाल दी, डर निकाल दिया, ईगो निकाल दिया, है ना, इनसिक्योरिटी पार्ट जो भी नहीं जरूरत थी वो सब मैंने निकाल दिया, तो बचेगा क्या, प्योर पार्ट बचेगा। जैसे छोटा बच्चा बहुत होता है, बहुत प्योर होता है, तभी सभी लोग प्यार करते हैं उससे, वो प्योर कॉन्शियसनेस में जीता है, हम उसको कॉन्शियसनेस से कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं, लॉजिकल बना देते हैं, फिर उतना प्यारा नहीं लगता जो बच्चा पहले लग रहा था, समझ में आ रहे कि नहीं। वो मासूमियत चली गई, वो इनोसेंसी चली गई, वो इनर चाइल्ड बढ़ गया, समझ में आ रहे कि नहीं। तो ये पूरी चीज़ें क्या है, वननेस करनी है, हमें सारी अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करना है, सेल्फ को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, एम आई राइट, राइट है ना। अब मुझे ये बताओ ये करेगा कौन, हाँ खुद करेंगे, कैसे करेंगे, किसकी मदद लेंगे, गुरु की, गुरु की मदद या जो सिखाने वाला है कैसे करेंगे, दो ही चीजें मदद कर सकती हैं, एक शिव और एक शक्ति, समझ में आया, ये कोई हिंदू माइथोलॉजी नहीं है। शिव का मतलब है माइंड, शक्ति का मतलब है एनर्जी पावर, हमको पीरियडिकली अपने माइंड पैटर्न को चेंज करना है और माइंड पैटर्न को चेंज करने के लिए हमने पावर की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, हमें मंत्र की ज़रूरत है, सिंबल्स की ज़रूरत है, हमें एफर्मेशन की ज़रूरत है, हमें एंजल्स की ज़रूरत है, हमें कुछ तो चाहिए जो हमारे माइंड सेट को तोड़ते जाए, पीरियडिकली पिलिंग करते जाए, ऑनियन देखा है ना, प्याज देखा है कि नहीं, उसकी पिलिंग करते कि नहीं हम लोग, आजकल हम एप्पल खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं तो देखते हैं बाहर वैक्स होता है, होता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं उसका छिलका निकालते हैं, तो वो निकालना पड़ेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक शिव और एक शक्ति, ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प कर लेनी पड़ेगी तभी जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपने इनका यूज़ नहीं किया तो फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे,
आजकल का जो लॉजिकल जनरेशन है ये लोगों में पावर कम है, सिर्फ माइंड माइंड है, इसलिए ये लोग एमबीए की डिग्री लेते हैं, पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास एनर्जी लेवल बहुत कम है, इसलिए ये लोगों को स्टिमुलेशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, अल्कोहल है, टोबैको है, चरस, गांजा, ये सब लेने पड़ते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि ये लोग मेडिटेट नहीं कर रहे, इन लोगों का इनपुट ही नहीं है और ये आउटपुट बहुत चाहते हैं, सपने बहुत बड़े हैं, राइट और रॉन्ग, इनके विशेष बहुत बड़े, विशेष बहुत बड़े, तो पावर चाहिए कि नहीं मुझे बताओ। तो जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे या योगा नहीं करोगे या नींद नहीं करोगे, आपकी इनपुट एनर्जी क्रिएट कहाँ से होगी मुझे बताओ? पॉसिबल है? खाना भी अभी आप कौन सा खाते हो? फ्राइड फूड खाते हो, तला हुआ खाते हो, ऑयली स्पाइसी फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो उसमें तो इंग्रेडिएंट भी नहीं है, न्यूट्रिशंस भी नहीं है, एनर्जी तो दूर की बात, पूरा खाना जला हुआ रहता है, सिर्फ कार्बन बेस्ड फूड रहता है आपका। तो आप मुझे बताओ ना, आपको न्यूट्रिशन मिल रही है ना एनर्जी मिल रही है, तो आपका ऑर्डर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं? जो 70 साल में लोगों को हार्ट अटैक होते थे, अभी 35 इयर्स में हार्ट अटैक आ गया, तो 50% लाइफ खत्म हो गई, हो रही है कि नहीं? राइट? कितने लोग सुसाइड से मर रहे हैं यंग जनरेशन? क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है लाइफ को जीने के लिए। लाइफ को जीने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, आप मुझे बताओ। मुझे पहले होम्योपैथी वाले कहते हैं वाइटल फोर्स चाहिए, स्पिरिचुअल साइंस वाले कहते हैं आपको ऑरा चाहिए, एनर्जी चाहिए, मेडिकल साइंस कहते हैं आपको इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए, कुछ तो चाहिए कि नहीं आपको? और अगर वही नहीं है, आप कब तक जियोगे मुझे बताओ? आपके बॉडी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी नहीं है, आपके बॉडी में प्योर वाटर नहीं है, समझ में कि नहीं? आपकी ब्लड केमिस्ट्री पूरी रसायन पूरा बिगड़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब कितना टॉक्सिक है आपके बॉडी में। तो अगर बॉडी में इतना होगा तो कम से कम 50 गुना ज़्यादा आपके माइंड में होगा, 50 टाइम्स मोर। अगर एक भी आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ना, मतलब 50 टाइम्स ज़्यादा आपका माइंड में प्रॉब्लम होगा, समझ में आ रहा है? तो जब तक आप उस माइंड में से अनवांटेड चीज़ों को नहीं निकालोगे, आपकी बॉडी में से कैसे निकलेगी? और जब तक माइंड और बॉडी प्योर नहीं होगी, आप वो सोल इवोल्यूशन भी नहीं जा पाओगे, समझ में आ रहा है? आपका वो लेवल भी ऊपर नहीं जाएगा, जो शुरू में मैं आपको बता रहा था कि इन्फेंट सोल से बेबी सोल पे जाना है, बेबी सोल से आपको यंग सोल पे जाना है, आपका लेवल जाएगा कैसे ऊपर जब तक आपकी शुद्धिकरण नहीं होगी? पॉसिबल है मुझे बताओ? पॉसिबल नहीं है। अभी कोई 10th के एजुकेशन लेके किसी को बड़ा जॉब मिल सकता है? मिल सकता है? नहीं मिल सकता, उसको एजुकेशन देना पड़ेगा, हाई क्वालिफिकेशन। तो इसी तरह से आपको अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। लोगों की अभी दो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च किया है। एक, लोग दूसरे के लिए शिवा बनते हैं, दूसरे को ब्रेक करते, दूसरे की पैटर्न तोड़ते, खुद की पैटर्न कोई तोड़ता नहीं, राइट अराउंड। पूरी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी हुई है, हस्बैंड वाइफ को बदलने में लगा है, वाइफ हस्बैंड को बदलने में लगी है, हम बच्चों को बदलने में लगे हैं, हम मदर इन लॉ को बदलने में लगे हैं, मदर इन लॉ बहू को बदलने में लगे हैं, मतलब दूसरे के लिए हम शिवा बदले, खुद के लिए शिवा यहाँ कोई नहीं बदला है। दिस इज राइट, दिस इज वन पॉइंट। दूसरा मैंने देखा है मेरे रिसर्च में कि लोग खुद की एनर्जी बढ़ाते नहीं है, दूसरों की एनर्जी ड्रेन करते हैं, लीक करते हैं, समझ में कि नहीं? मतलब दूसरे को कर्ज करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, दूसरे को ताने मारते हैं, दूसरे को हर्ट करते हैं और खुद की एनर्जी ड्रेन करते हैं, खुद की तो बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है? सो ये दो प्रॉब्लम है कि नहीं, दूसरे के लिए शिवा बनना और दूसरे को ड्रेन करना, जबकि ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? शिवा खुद के लिए बनो और एनर्जी खुद की क्रिएट करो, दूसरे की तोड़ने के लिए मत टाइम वेस्ट करो। लेकिन मैक्सिमम लोग दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं? और जब तक यही स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, मुझे बताओ आपके ऑरा में डिफरेंस कैसे आएगा? तो इसलिए ये पिछले 25 साल से हीलिंग मॉडलिटी है, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये मैग्नीफाइड हीलिंग, करुण हीलिंग, क्यों आई? कि दूसरे को हील करते करते कम से कम आपके अंदर कंपैशन को क्रिएट होगा, लव को क्रिएट होगा, और दूसरे के अंदर लाइट डालना तो सीख जाओगे कि नहीं?
समझ में नहीं थी। और ये हीलिंग की एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जब तक अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे आप दूसरे की हीलिंग नहीं कर सकते। तो इस बारे आप खुद भी खुद की हीलिंग करने बैठोगे कि नहीं, खुद की साधना करोगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी को ठीक करना है तो पहले मुझे चार्ज होना पड़ेगा। आप सुबह घर से निकलते हो तो मोबाइल चार्ज करके निकलते हो कि नहीं, निकलते हो कि नहीं। तो इसी तरह से अगर आपको किसी को सही में सुधारना है तो हीलिंग की कंडीशन क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुदरत भी देखो कितनी अच्छी है, इन्हें पता है कि आजकल कोई इंसान खुद के लिए टाइम नहीं निकालता। हम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इतना देर बैठते हैं, यूट्यूब पे इतने देर बैठते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, खुद आग बंद करके कभी मेडिटेट नहीं करते, खुद के लिए नहीं करते। इसलिए ये दो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, समझ में। पीरियडिकली अपनी पैटर्न तोड़ते जाओ, उसकी साइकिल सर्जरी करो या विपश्यना में जाओ या उसके बाद राजयोग में जाओ या उसके बाद सुदर्शन क्रिया में जाओ, टाइम टाइम पे मॉडेलिटीज भी चेंज करो। एक ही चीज़ को पकड़ के मत रखो, ना गुरु को पकड़ के रखो ना गुरु की जो मॉडेलिटी है उसको भी पकड़ के रखो, क्योंकि वापस आप स्टक हो जाओगे, समझ आ रहा है। अगर आप सोचो मुझे जो 660 नोकिया मोबाइल जो मैं 12 साल पहले मैंने इस्तेमाल किया था, 15 साल पहले, अगर आज मैं वही मोबाइल इस्तेमाल करूँ तो चलेगा नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि उसको व्हाट्सएप फेसबुक कुछ थे ही नहीं, 2 मेगापिक्सल का कैमरा, उसमें मेमोरी हार्डली MB की थी, 125 MB की थी, समझ में। अभी तो 32 GB भी कम पड़ रही है। तो आपको नहीं लगता टाइम टाइम पर आपको सबको छोड़ना पड़ेगा? एंड दिस इज अ ग्रेट चैलेंज। उसी गुरु को पकड़ो, उसी धर्म की विधियों को पकड़ के रखते हो, उसी रिलीजन कल्चर को पकड़ के रखते हो, समझ में। टाइम टाइम पे जैसे स्कूल का स्टूडेंट भी अलग अलग क्लास में जाता है, 5th से 6th में 6th से 7th में जाता है कि नहीं, स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाता है ना। तो इसी तरह से आपको भी टाइम टाइम पे हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी। एक्सपीरियंस लो हर चीज़ का, अटैच किसी से मत रहना, एम आई राइट। इसलिए हम लोग ज़्यादा करुणा ही साइकिक सर्जरी को एम्फोसाइज करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बेस्ट है, इसलिए नहीं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल का है, वो डेल्टा लेवल का है, वो थीटा लेवल का है, जो टाइम टाइम पे हमें इनपुट एनर्जी भी देता है और हमारी माइंड की पैटर्न भी तोड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। मैं लास्ट वीक कैलकाटा गया था, मेरी 26 साल से इच्छा थी कि वहाँ पे दुर्गा पूजा देखने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट से मैं वहाँ गया था, लेकिन बहुत मुझे वहाँ जाकर थोड़ा एक दुख हुआ कि लोग इतने साल से सिर्फ पूजा पाठ ही कर रहे हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, किसी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। आज भी वहाँ बलियाँ चढ़ाते हैं, आज भी वही माइंड सेट है कि बाहर से किसी एनिमल को लाओ उसको मारो और माँ के सामने प्रेजेंट करो। मुझे ये बताओ कौन सी माँ किसी का बलिदान चाहेगी, चाहेगी? लेकिन पुराना माइंड सेट है। लास्ट मंथ मैं गुवाहाटी गया था कामाख्या देवी, वहाँ पे भी वही माइंड सेट है। तो मुझे ये बताओ कि अगर वही माइंड सेट के साथ हम चलेंगे हमारा इवोल्यूशन कैसे होगा? यस एनर्जी फॉर्म, राइट राइट। समझ में नहीं, वहाँ जितने लोगों को मैंने पूछा, करीबन मैं इस बार कम से कम 300 इंसान को वहाँ पे मिला, अब क्यों करते हो? बस मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा पैसा चाहिए, मतलब सिर्फ चाहिए। दे आर रिलीजियस पीपल, समझ में नहीं, उनका मकसद क्या है कि पावर गेन करना है, एनर्जी गेन करना है, कॉन्शियसनेस गेन करना नहीं। रावण ने भी बहुत एनर्जी गेन की लेकिन कॉन्शियसनेस उसके अंदर भी नहीं, और इसी की वजह से उसका हम दशरा मना दे, समझ में कि नहीं। एक लेवल के बाद अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो वो ईगो क्रिएट होता है, या? मैं वही कह रहा हूँ, नॉलेज बहुत था, बहुत नॉलेज था, लेकिन कॉन्शियसनेस कहीं कमी थी उसमें, समझ में आता है। तो आज जितने भी संत साधु जिनको बहुत नॉलेज है लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत है, इरिटेशन बहुत है, मतलब कॉन्शियसनेस की अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, तो लोग धीरे धीरे उसको फॉलो करना भी बंद कर देते हैं। ये आपने देखा है,
समझ में आ रहा है एक लेवल तक मतलब रूट चक्र से मणिपुर चक्र तक एनर्जी बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन रावण ने अपनी एनर्जी मणिपुर चक्र से आज्ञा चक्र तक ले आई है, इसलिए उनमें इतना पावर आ गया था कि वो प्लैनेट्स को भी कंट्रोल कर रहे थे, वो फाइव एलिमेंट्स को भी हिला रहे थे, इतना पावर आ गया उनका आज्ञा चक्र, इतना पावरफुल था, एनर्जी मैटर फॉर्म किसी को भी वो चेंज कर सकते थे, इतना उनमें पावर था। उनका खुद को उन्होंने साधु के वेश में प्रेजेंट किया सत्ता के सामने, और उन्होंने इतना खुद की एनर्जी को और को लॉक कर दिया कि कोई जान भी नहीं पाया कि ये रावण है, ये कोई साधु नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मुझे ये बताओ कि सिर्फ अचीव करना ये स्पिरिचुअलिटी है क्या? सिर्फ अचीव करना स्पिरिचुअलिटी है नहीं है। आप देखो एक टाइम के बाद या महावीर या बुद्ध जितने लोग भी थे या गुरु नानक या जीसस, ये लोग एक टाइम के बाद उन्होंने सिर्फ नथिंगनेस पे आ गए, वननेस पे आ गए, या शिरडी साईं बाबा या जो भी लोग हैं, ये लोग ने फिर कोई भी उनका पावर का मैनिफेस्टेशन नहीं किया, कहीं पे चमत्कार नहीं दिखाया, कहीं पे आपने बुद्धा का पढ़ा है कि इन्होंने ये चमत्कार दिखाया, या महावीर का कहीं पढ़ा है आपने मुझे दिखाऊं, या गुरु नानक का बताओ कि इन्होंने ये चमत्कार किया, क्लाइमेट को चेंज किया, बारिश को इग्नोर किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने हर चीज़ को निसर्गिक रखा, नेचुरल रखा, जैसा चल रहा है वैसे चलने को, लेकिन खुद का वो इवॉल्व करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको अभी भी एनर्जी बढ़ानी है तो धार्मिक क्रियाएं करो, और अगर आपको कॉन्शियसनेस बढ़ानी है तो आध्यात्मिक क्रियाएं करो। यहाँ डिफरेंस है कि नहीं? अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो क्या करना होगा? रिलीजियस प्रोसीजर करना होगा, धर्म ध्यान करते जाओ, धर्म करते जाओ, क्रियाएं करते जाओ, गायत्री मंत्र का चयन करो, नौका मंत्र का चयन करो, ओम नमः शिवाय का चयन करो, आपकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, चेतना बढ़ानी है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इट। तो शुरुआत हमने किस चीज़ से की? क्वांटम से की, नथिंगनेस से, और एंड भी अगर हम उसी को फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका सोल इवॉल्व करेगा। लेकिन जिनको भी आज चमत्कार चाहिए या जिनको भी सिर्फ नॉलेज चाहिए, वो हो सकता है अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाए, और वो गलत भी नहीं है, हर एक का अपना अभ्यास होता है। हम स्कूल के बच्चे को कॉलेज में डाल सकते हैं क्योंकि अभी मुझे स्कूल की पढ़ाई की जरूरत है। तो मैं कहता हूँ आप जहाँ पे भी हो बस वहाँ पे 100% हो, बाई डिफॉल्ट आप एक लेवल आगे चले जाते। जैसे हम एक्सीलेटर में जाते हैं, आप खड़े रहते हैं, खुद को हमें ऊपर ले जाते हैं, समझ में नहीं? मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई धर्म की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको 100% आपने फोकस किया, तो बाय डिफॉल्ट आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। इज इट ट्रू और नॉट पॉसिबल है कि नहीं? आप सिर्फ 2% होंगे पूरी दुनिया में जो धर्म और आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, बाकी के 98% तो कुछ करते ही हैं, लेकिन वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, समझ ना रहे। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो कुछ भी ना करो तो 100%, और अगर 100% देने के बाद भी आपको बहुत जल्दी सोल को इवॉल्व करना है तो आपको कुछ तो आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ेगी, और जब भी आप ये स्पिरिचुअल प्रोसीजर करोगे तो 101% आपका इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे गुरु नानक का हुआ, वो एक लाइफ में उन्होंने बहुत सारी लाइफ जी, तो टाइम बचा के चॉइस किसकी है? हमें और बहुत से जन्म लेने हैं या नहीं लेने हैं, ये चॉइस किसकी है? खुद की है कि नहीं? तो इट इज़ योर विश। मतलब एक बच्चा चाहे तो वो 5th क्लास में 2 साल भी निकाल सकता है, 3 साल भी निकाल सकता है, उसकी चॉइस है। और अगर वो स्टूडेंट चाहे वो 1 ही साल में पास होकर 6th में जा सकता है, 7th में नेक्स्ट ईयर जा सकता है, तो हमारी चॉइस है। स्कूल की एजुकेशन स्लो चलती है, उसको सिस्टम से जाना पड़ता है। सोल की एजुकेशन हमारी चॉइस से चलती है, हमें जितना फास्ट जाना है हम जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, राइट? मैंने 125 थेरेपियां सीखी है, मेरी चॉइस थी। मुझे बहुत जल्दी ग्राफोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब सीखना था, ये मेरी चॉइस थी। लेकिन मेरे दूसरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो आज भी सिर्फ मेडिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनकी चॉइस है। मुझे स्लोली इवॉल्व होना है, मुझे बहुत फास्ट इवॉल्व होना है, तो चॉइस किसकी है? खुद की है ना।
हम टाइम पैसा किस पे डालते हैं ये हमारी चॉइस है, राइट। हम जिस चीज पे टाइम डालेंगे, जिस चीज पे पैसा डालेंगे, जिस चीज पे एनर्जी डालेंगे, वो हमारा प्रोग्रेस है, राइट। अगर आपने उस चीज पे टाइम ही नहीं डाला, आपने मेडिटेशन पे टाइम ही नहीं डाला, तो फिर आपका प्रोग्रेस कैसे होगा मुझे बताओ। अगर आपने योगा पे टाइम ही नहीं डाला तो आपकी फिटनेस कैसे क्रिएट होगी। अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन पे पैसे नहीं भी डाले तो टॉक्सिक बॉडी किसकी रहेगी मुझे बताओ, किसकी रहेगी, हमारी खुद की रहेगी ना। तो आपको क्लियर करके यहाँ पे कि आपको पीरियडिकली बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, माइंड का कैथारसिस और सोल का काम भी क्लियरेंस करना ही पड़ेगा, देर इज नो अल्टरनेटिव फॉर। और वो हर एक को ऐसे निकलना पड़ा, सिर्फ हमारी बात नहीं है, बड़े बड़े जितने भी साधु या बड़े बड़े देवी देवता जो भी हम बताते हैं, ये सब लोग इसी तरह से बाहर निकले हैं। और ये लोग जब वापस जन्म लेते हैं ना, जो भी साधु, ये अलग मॉडेलिटी पे जन्म लेते हैं, तब हमें नहीं पता था कि पास लाइफ में इन्होंने ये किया वो किया। अब ओशो ने जहाँ पे भी जन्म लिया होगा तो आज वो ओशो तो नहीं रहेंगे, रहेंगे शिवानंद चले गए, जो भी संत चले गए या दयानंद सरस्वती आदि चले गए, तो सेम तो नहीं रहेंगे। उन्होंने कुछ तो चॉइस किया होगा कि नेक्स्ट लाइफ में और कुछ मॉडर्निटी में जाऊंगा, समझ में आने के लिए। तो इसी तरह से हमें भी ये बहुत अच्छे मकसद से स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेना चाहिए, बिकॉज दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट पार्ट टाइम ऑफ द लाइफ, समझ में आने के लिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ द लाइफ। मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस क्यों छोड़ी, शुरू में मैंने सोचा मैं पार्ट टाइम करूंगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लेकिन मैं समझ गया कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पार्ट टाइम नहीं कर सकता, मैं स्पिरिचुअल अथीस को मेडिकल प्रैक्टिस में यूज नहीं कर पाता, तो मुझे मेडिकल प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी, मैं फुल टाइम ले आ गया, समझ आ रहा कि नहीं। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ कि अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी को उतारो, आपके संस्कार बदल जाएंगे, और संस्कार बदलेंगे आपकी कॉन्शियसनेस बदलेगी, और कॉन्शियसनेस जब भी बदलेगी एक चीज श्योर है, अब नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि पुराने कॉन्शियसनेस की वजह से कुछ लोग आपकी लाइफ में थे, तो वो छूटेंगे कि नहीं, चले जाएंगे कि नहीं आपकी लाइफ से, बोला या नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है पिछले 25 साल से कि नए नए लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। तो रिश्तेदार भी छूट रहे हैं, फ्रेंड्स भी छूट रहे हैं, नेबर्स भी छूट रहे हैं, सब कुछ छूट रहे हैं, और नए नए लोग हमारी लाइफ में आना शुरू कर रहे हैं। तो आपका जब तक ऑरा शिफ्ट नहीं होता, मुझे ये बताओ आपकी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे होगा, कैसे होगा मुझे बताओ। आप मेडिटेशन करके भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये करके भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, योगा करके भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर हम सब चीज को इंटीग्रेट करें तो, सबको इंटीग्रेट करें तो पास प्रोग्रेस होगा कि नहीं। मैं सुबह 3:30-3 बजे उठता हूँ, पहले मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं योगा करता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं अपनी सेल्फ हीलिंग करता हूँ, फिर वापस मेडिटेशन करके मैं बाहर निकलता हूँ 6:30 बजे, मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो अच्छा ही बुरा है। तो आप भी वो करना चाहिए ना आपको, एक ही चीज करोगे तो वापस अटक जाओगे, लेकिन सब चीज थोड़ा थोड़ा करोगे तो मुझे लगता है बहुत फास्ट बाहर आ जाओगे, है ना। सो आई होप आपके आज का ये सब्जेक्ट समझ में आए, किसी को कोई क्वेश्चन, इज इट क्लियर कि क्वांटम कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से हमारा ऑरा है। ऑरा शिफ्ट करने का मतलब है कि हमें वापस वो क्वांटम तक पहुंचना पड़ेगा, तब तक हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दो सिटिंग में आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, होगा पॉसिबल ही नहीं, इट विल टेक टाइम, इज इट ओके। सो फिर हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद किसी को अगर ऑरा डिस्कशन करना है तो पीछे आप कर सकते हो, या और कुछ पूछना है तो आप अपने हमारे जो भी इवेंट्स है उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।